हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को गाइस पता होगा कि हमारा एक नया डंजन आ चुका है। सो गाइस आज हम लोग इस वाले डंजन को करने वाले हैं। सो ये देखिए, ये हमारा डंजन है। अभी तो इसका नाम वगैरह मुझे खुद नहीं पता। खैर ये लेटेस्ट वाला डंजन है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को विदाउट डिले के वे। तो चलिए अभी हम लोग की तलाश में चलते हैं। और ये वाला जो हमारा डंजन हार्ड है, और यहाँ देखिए पहला ट्रैप आ चुका है। और मैंने अभी तक मैप में नहीं देखा कि कौन कौन सा कैसा कैसा मैप है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो मतलब कि कौन कौन सा ट्रैप वगैरह है। तो ये सब सारी चीज़ें भी मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो हमें सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। अभी जस्ट डंजन आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास ज़्यादा टाइम है, इसलिए जो है मैंने विदाउट डिले के हुए सीधे डंजन की तरफ चला आया। और यहाँ पर अच्छे खासे इम्प्लांट्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब यहाँ पर देखिए। और तो ये सारे इम्प्लांट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आई थिंक नीचे की तरफ कुछ है, इधर भी जाने का रास्ता है और उधर भी जाने का रास्ता है। तो किस साइड जाऊं पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, बट ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी पहले इस साइड क्या है। आई थिंक जंप करने के लिए आएगा क्या इधर कहीं कुछ। ऑल राइट, सो यहाँ पे जंप करने के लिए तो नहीं है, मगर हाँ यहाँ पे लूटने वाले क्रिएट्स हैं। ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे दो क्रिएट्स हैं लूटने के लिए। चलिए लूट लेते हैं इन सभी को। छोटे मोटे क्रिएट्स हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ऑल राइट, क्या मिला हुआ है? गीली सूट का बीपी मिला हुआ है। यहाँ पर क्या मिलता है, लेट्स सी क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे बैटल कुछ करके मिला हुआ है, कुछ खास नहीं मिला यहाँ पे। इससे क्या होता है ना कि तीन मिनट के लिए हमारा हेल्थ डाउन होगा, बट डैमेज स्पीड सारी चीज़ें का मूवमेंट वगैरह बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। ऑल राइट, सो अभी डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हमने यहीं से इंटर किया था आई थिंक। और इधर भी कुछ है, चलिए एक क्रेट यहाँ पे, इसको लूट लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी। यहाँ पे औरतों का सैडल मिला हमें, बीपी मिला होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। सैडल तो मिलेगा नहीं, नीचे के सामने की तरफ जाना है हमें। आई थिंक हमारा ये पहला रूम आने वाला है, और मुझे ये नहीं पता कि ये इस रूम में कौन सा डाइनो आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक मैप नहीं देखा है। चलिए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो गाइस। और कौन सा डाइनो आ रहा है? काप्रोसोचेस आ रहे हैं और सार्को आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। चलिए ईडी टोरेंट के लिए हम लोग ये वाला गन यूज करेंगे। बस काप्रोसोचर से बचना हमें, क्योंकि ये जो है ना गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होंगे हमारे लिए। ऑल राइट, और रहेगी बात सार्को की, तो सार्को को हम लोग शॉटगन से मारते हैं, शॉटगन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल राइट, देयर वी गो गाइस। सिर्फ और सिर्फ काप्रोसोचर को जो है थोड़ा सा थ्रीट को कम करने के लिए उससे मारते हैं, अदरवाइज शायद आप लोगों को पता हो या फिर ना हो, क्योंकि काप्रोसोचर एक बार अगर जबड़े में दबा लिया ना गाइस तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप लोग चाहे तो इसे रन करते हुए भी काप्रोसोचर को मार सकते हैं, बट क्या क्यों रिक्स लेना, आप लोग समझ पा रहे हो गाइस। यहाँ पे दो दो काप्रोसोचर थे इस बार आए हुए थे। चले आई थिंक एक ही सार को आया इस बार। ऑल राइट, ये वाला भी क्लियर हो गया। आई थिंक दो बार और आएंगे। सो ये वाला डंजन जो है गाइस हार्ड में है, तो हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो थोड़ी सी, सो बी केयरफुल रहिएगा। एक काप्रोसोचर किधर है? एटलीस्ट दो। ओके, तो यहाँ पे एक इस बार जो है दो सार को आए हैं, काप्रोसोचर एक ही आया है। देवी को कुछ राउंड और मारने में, इसके बाद दो काप्रोसोचर्स आएंगे आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देवी को गाइस, ये वाला रूम काफ़ी ज़्यादा इजी हो। मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पे साउंड ऑन करना भूल गया था। चलिए रन करते रहना है। ओह शिट, पकड़ लिया इसने। ये वाली थोड़ी जगह जब ये दबोच लेगा गाइस ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर शॉट यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हमें शॉट यूज़ करना पड़ेगा। ऑल राइट, चलिए। सो आर्मर का थोड़ा सा फ़ायदा भी है, अगर मैं देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग जो है इसको विदाउट आर्मर भी करेंगे। ऑल राइट, सो ये रूम क्लियर हो चुका है। लेट्स सी इस वाले रूम में क्या क्या मिलता है। लूट मारते हैं पहले तो। किधर रूम है? लूट बॉक्स किधर है? आई थिंक इधर लूट बॉक्स है। ऑल राइट, देयर वी गो। सो क्या मिला? एसेंडेंट क्रॉसबो का बीपी मिला हुआ है, कुछ खास नहीं है। सामने की तरफ चलते हैं, यहाँ से सामने की तरफ जाना है। आई होप इधर कोई ट्रैप वगैरह ना हो, मुझे डर लग रहा है। लेट्स सी गाइस, सामने की तरफ कुछ ट्रैप दिख रहे हैं मुझे, कौन सा ट्रैप है? ओह ये वाला ट्रैप तो मैं बिल्कुल पार ही नहीं कर पाता, इम्पॉसिबल सा लगता है ये वाला ट्रैप मेरे लिए। खैर कोशिश करूँगा इसे क्रॉस करने की, बट बहुत हार्ड होता है ये वाला ट्रैप मेरे लिए पार करना। इसको मैंने अभी तक सीखा ही नहीं कैसे पार करते हैं,
मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिक तो आ चुका है, मगर अभी समझ रहे हो गाइस हाथ वगैरह सही नहीं चलता मेरा। ऑल राइट, सो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये वाला बॉक्स लूट लेते हैं। चलिए, हनी मिला हुआ है हमें, अभी हमें वेट करना पड़ेगा, इस वाले ट्रैप को क्रॉस करना ही पड़ेगा हमें, अदरवाइज जो है हम लोग जो है की वगैरह नहीं ले सकते। मुझे लग रहा है कि इसके बाद इसके आगे की तरफ ही की वगैरह होगा, तो चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितने अटेम्प्ट में मैं इसे क्रॉस कर पाता हूँ। सो गाइस, इसको बाय लक भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट मुझे क्या लग रहा है कि मुझे बाय लक इसको यूज करना चाहिए एक बार, अगर अदरवाइज अगर ये बाय लक हम लोग इसको नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर हो सकता है तो हम लोग जो है नॉर्मल सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हीलिंग ब्रू कंज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे ट्रिक लगाऊँ क्या मैं इसका? आई डोंट थिंक मुझे ट्रिक लगानी चाहिए। लेट्स सी अगर हम लोग रन करके इसे गलती से भी क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। हट जा भाई, तो यहाँ क्या करने आ गया? जा इसकी, ये जाएगा क्या उसके अंदर? नहीं जाएगा ये, खैर छोड़िए जाने दीजिए। चले 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 चले, प्लीज 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 प्लीज। ऑल राइट, सो लक भी काम आ जाता है कभी कभार। देयर वी गो, ऑल राइट ऑल राइट। सो फाइनली जो है मैंने इसको क्रॉस कर लिया, लक भी कभी कभी साथ आ जाता है, और एक ही अटैम्प्ट में हमारा काम भी हो गया। सो ये अच्छा था गाइस हमारे लिए। चलिए अभी हम लोग जो है इंटर कर चुके हैं इस वाले रूम में, किस साइड जाना हमें? ऊपर की तरफ चलते हैं अभी थोड़ा सा, यहाँ पे कोई रूम लग रहा है मुझे, आई थिंक इस साइड जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए यहाँ पे एक ट्रैप और दिख रहा है सामने की तरफ, यहाँ पे एक ट्रैप है, ये वाला देखिए दिख नहीं रहा है मगर है ट्रैप। थोड़ा सा इसको एक्टिव होने देते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे। चलिए अभी क्रॉस कर सकते हैं ईजिली। ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ मिला हुआ है 5 करके, क्या नाम है उसका, प्रीमियम आइटम है कुछ, खैर इसका क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ऑल राइट, सामने की तरफ जाना है हमें, ऊपर की तरफ, और कुछ लूट्स क्रिएट दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे भी लूट्स क्रिएट हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। देखो 2 मेडिकल ब्रू मिला हुआ है, उतना कुछ खास अच्छा तो नहीं मिला बट मिला हुआ है। ऑल राइट, सो सामने की तरफ जाना है, 1 एंड लास्ट 1 यहाँ पे क्रिएट है। लेट्स सी क्या मिला यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें एसेंडेंट कुछ बो का कुछ इम्प्लांट वगैरह मिला है, प्रिंट वगैरह मिला, लेट मी चेक क्या है ये गाइस। धनुष मिला हुआ है, खैर ये वुडन धनुष मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है हमारे लिए। ऑल राइट, सो अभी हमें नीचे की तरफ जाना है, आई मीन रूम की तरफ जाना है, देखते हैं कौन सा रूम का चैम्बर आता है, मतलब कौन सा डाइनो आते हैं इस बार। ऑल राइट, लेट्स सी, इंटर करते हैं, देखते हैं कौन सा डाइनो आते हैं इस बार। आई थिंक जो है ना गाइस, मुझे यहाँ पे आर्मर वगैरह थोड़ा स्विच कर लेना चाहिए इन द केस अगर खतरा हो जाएगा तो। चलिए कौन सा है, ऑर्थो, ओ शिट, ऑर्थो आ रहे हैं, ऑर्थो आ रहे हैं गाइस। बात ये नहीं कि मुझे ऑर्थो से डर लगता है, बात ये ना गाइस कि इनका डैमेज हमारा एक एक सेट आर्मर ईजिली तोड़ देगा। ओह, एक बार में एक ही ऑर्थो आ रहा, ओह काम हो जाएगा, चलिए काम हो जाएगा। अगर आप लोग हेडशॉट मारोगे ना तो और तो बहुत तेज़ी से मर जाते हैं, और आई थिंक एक बार में एक आएंगे तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चिट चिट चिट, मगर एक भी हिट ले लिया हमने तो हमारा आर्मर ऑन द स्पॉट वहीं पे टूट जाएगा गाइस। तो ये बड़ा, तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। चलिए ये भी मर गया, आई थिंक मुझे एक एरिया और तो ले जाना चाहिए क्या? ओह शिट 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 स्पॉन ले लिया इसने। तो भाई ये क्या हो रहा, मर जा भाई प्लीज़, हेडशॉट लग जा। ऑलराइट, फाइनली ये वाला भी क्लियर हो गया, मुझे डर लग रहा था बट उतना भी डर नहीं लगा। चलिए एक काम करता हूँ, मैं ऑर्थो को ले लेता हूँ इसका इम्प्लांट, क्योंकि ईडी ऑर्थो है गाइस, रिवाइव करेंगे नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, लेट्स सी आर्मर डैमेज हुआ नहीं, एक बीट नहीं लगा हमें, तो ये अच्छी बात थी हमारे लिए। और यहाँ पे रूम क्लियर हो चुका है, चलिए चेक करते हैं बॉक्सेस में क्या क्या मिलता है हमें, किस साइड जाएँ, इसी साइड जाना है, ट्रैप ना हो बस। लेट्स सी कि इस वाले साइड में क्या मिलता है हमें, नीचे की तरफ जाना है। ऑल राइट, एरो मिला हुआ है हमें, यहाँ पर क्या है, सो हमें ग्लव मिला हुआ है चितिन का,
जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मतलब अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। खैर लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं नूसर वाले नीचे की तरफ फिर से कोई रूम आता है या फिर डायरेक्ट सिंपली काम हो जाएगा हमारा। लेट्स सी गाइस, आई थिंक मुझे फिर से लग रहा है ये रूम आएगा किसी डाइनो का। कौन सा डाइनो आएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई रूम नहीं। चलिए ये एक अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे तो लगा था भाई इतना रूम दे देगा तो फिर। ओ शिट यार, यहाँ पे फिर से आ गया ये कि ये क्रॉस करने वाला। अभी तो किसी तरह एक क्रॉस किया मैंने, मगर ये दूसरा फिर से आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा फालतू और वाहियात चीज़ है पूरा ये वाला ट्रैप। मुझे जितना ज़्यादा मुश्किल होता है क्रॉस करने के लिए, उतना ही ज़्यादा मुझे पैनिक दे रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो फिर से एक बार गेम को सेव करता हूँ, लेट्स सी अगर इस बार क्रॉस कर पाते हैं एक बार में इसको भी या फिर नहीं। लेट्स डू इट गाइस, आई होप ये हमें धोखा ना दे। पिछली बार पता नहीं मैंने कैसे क्रॉस कर दिया था, आई डोंट थिंक इस बार मैं क्रॉस कर पाऊँगा। ओह शिट, ये क्या था? ओ भाई क्रॉस कर दिया मैंने। खैर कुछ ज़्यादा ही लग काम कर रहा मेरा तो, अनबिलीवेबल मैं क्रॉस कर दिया इसको, बहुत ज़्यादा लग काम कर रहा मेरा तो। ऑल राइट, सो स्टेमिना कुछ करके लिखा हुआ आ रहा है, लेट्स सी की कहाँ पे। अरे यार धोखा हमारे साथ, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ओ माई गॉड, अभी तो लक भी नहीं काम करेगा, इतने सारे ट्रैप आ जाएंगे एक साथ तो क्या ही करूँ गाइस। अभी तो आई थिंक हमें जो है लेजेंडली इसको क्रॉस करना चाहिए, मतलब कितनी बार लक पे डिपेंड करेंगे। खैर चलिए एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, एक बार फिर से मैं अपना लक ट्राई करता हूँ। इस बार नहीं हुआ ना तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लक ट्राई करते हैं एक बार फिर से गाइस। और प्लीज़ यार क्रॉस हो जाना प्लीज़। ओह भाई क्रॉस हो गया भाई इस बार भी। ओह भाई साहब लोल, मैं इस बार भी क्रॉस हो गया। अपन बिड़ लोग, लेट्स सी की किधर है, की लेते हैं जल्दी से, यहाँ से भगना भी तो पड़ेगा हमें क्रॉस कर करके। ऑल राइट, सो की का लोकेशन ये देख लीजिए, बट बहुत ज़्यादा फालतू जगह पे दे रखा है की का लोकेशन, इतने ज़्यादा वाहियात तरीके से दे रखा है ना गाइस। इतने सारे ट्रैप जो दे रखा है बहुत ही ख़तरनाक और फालतू वाला है। ऑल राइट लेट्स डू इट, टॉय मिला हुआ है हमें, यो टॉय मिला हुआ है, यो टॉय। ऑल राइट किस साइड चलें? ओके वापस ट्रैप से क्रॉस करना हमें, कहाँ जा रहा मैं? ऑल राइट सही जा रहा। अभी फिर से हमें क्रॉस करना है ट्रैप को। ओह माय गॉड डर लग रहा। फिर से चलिए मर गया मैं इस बार। सो गाइस इसको क्रॉस करने के लिए कई तरीके हैं, चलिए ट्राई करते हैं फिलहाल के लिए तो ये वाला तरीका दौड़ के। ओह नहीं, थोड़ा सा डर लग रहा मगर क्या करें। ऑल राइट, तो एक हिट लगा मुझे मगर मैं किसी तरह निकल गया। हीलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी दूसरा वाला ट्रैप क्रॉस करना, इसी तरह सामने से निकल के जाना हमें। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, हील पूरा हो जाने देते हैं। सो उम्मीद है कि क्रॉस कर लूँगा, लेट्स सी क्रॉस कर पाता है कि नहीं हम लोग इसे। ऑल राइट, सो इस बार भी रिक्स लेके क्रॉस कर दिया मैंने, थोड़ा सा हील करते हैं, डैमेज हुआ मगर क्रॉस कर लिया किसी तरह हमने। अभी डायरेक्ट रूम की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें अभी एक और ट्रैप क्रॉस करना पड़ेगा। सो वो वाला जो ट्रैप है ना गाइस वो भी सेम इसी तरह का ट्रैप है। ये रहा, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग रूम की तरफ चले जाएंगे, थोड़ा सा हील और कर लेते हैं। सो इस वाला हमारा ये यहाँ का ये वाला लास्ट ट्रैप होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग डायरेक्ट की वाले रूम में घुस जाएंगे।
चलिए प्लीज़ 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 निकल जा। ऑल राइट सो ये तो है, एक आखिर तो पक्का पड़ रहा हम लोगों को, बट हम लोग निकल गए, चले कोई दिक्कत नहीं है। अभी शायद एक वोल्ट ट्रैप आएगा कहीं, थोड़ा सा वोल्ट ट्रैप से हमें बचना है। ऑल राइट कहाँ पे वोल्ट ट्रैप है मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा वोल्ट ट्रैप, बट कोई दिक्कत नहीं, चलिए डायरेक्ट हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ऑल राइट देयर वी गो, ऑलमोस्ट आ चुके हैं एंट्रेंस पे, सीधे जाना है एंट्रेंस पे ही, कहीं वोल्ट ट्रैप है, इस साइड जाना है। चलिए यहाँ कहीं तो वोल्ट ट्रैप नहीं ना है, ये रहा वोल्ट ट्रैप गाइस देखिए। चलिए ऑल राइट सो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल गेट पे, चलिए इंटर करते हैं अभी गेट में। और गेट में इंटर करते ही हमारा पहला रूम आने वाला है, ये देखिए कोई रूम है ये। सो गाइस ये वाला जो है ना इग्लाना डाना आने वाले हैं, चलिए लेट्स सी, छोटे आ रहे हैं या बड़े इग्लाना डॉन आ रहे हैं? छोटे छोटे इग्लाना डॉन आ रहे हैं। इनके एचपी कितने हैं? ठीक ही ठाक एचपी है, एचपी में कोई दिक्कत नहीं है, एचपी भी ठीक ठाक है इनकी, आराम से मार लेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड ऑन करना भूल गया था, सॉरी। चलिए ओह शिट, एक बात तो भूल गया, मेरी एचपी इतनी डाउन क्यों है? आई थिंक इसमें आर्मर इनफेक्टिव है क्या, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा मुझे भी। चार राउंड आएंगे टोटल ही चाहिए इनको मारना, हेडशॉट मारिएगा तो ज़्यादा जल्दी मर जाएंगे, दो राउंड में मर जाएंगे ये हेडशॉट पे। देखिए दो राउंड मर जाएंगे दो शॉट पे, हेडशॉट पे। और भाई लास्ट राउंड आएंगे एक बार और, फिर उसके बाद सारा काम हो जाएगा हमारा। टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा, आई डोंट थिंक टेम्परेचर वगैरह से कोई मतलब है इसमें। चलिए ये एक शॉट में मर गया, मिस कर दिया हमने, नहीं नहीं तो आर्मर वगैरह है इसमें मगर इसका डैमेज थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए ये वाला रूम भी क्लियर हो गया, अब मैं दिखाता हूँ आपको मैप। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली मैप डाउनलोड कर लिया है क्योंकि मैं इसको दो पार्ट में खेल रहा हूँ, कल रात को खेला अभी सुबह में खेल रहा हूँ, तो मुझे मैप डाउनलोड करना पड़ गया। देखिए ये मैप हमारा इग्लाना डॉन क्लियर कर दिया, कोई इधर राइट साइड में कोई खास लूट नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा इसको छोड़ दीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाइएगा। तो नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे टाइटेन ऑफ बोआ का रूम है जो कि यूजलेस है हमारे लिए, इतना खास कुछ मिलने नहीं वाला, प्रीमियम चेस्ट एक दिख रहा मुझे, तो आई डोंट थिंक इतना हमारे लिए अच्छा होगा यहाँ पे जाना। तो हम लोग डायरेक्ट नीचे रैप्टर के रूम में जाएंगे क्योंकि इधर कोई लूट अच्छा नहीं है। रैप्टर का रूम होते हुए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक जंप लेंगे, यहाँ पे टेक स्ट्रक्चर आई मीन प्रीमियम फीचर्स लूट लूटेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बोस की तरफ चलेंगे। तो चलिए अभी जल्दी से रैप्टर का रूम क्लियर करते हैं विदाउट डिले किए हुए, कोई भी लूट लूटने नहीं चाह रहे अब हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। ऑल राइट यहाँ से नीचे जाना हमें, कोई ट्रैप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट रैप्टर के रूम में पहुँच जाएंगे हम लोग। चलिए सीधे जाना है, ये देखिए हम लोग आ चुके हैं रैप्टर के रूम के पास में। सो हम लोग बोला यूज करने वाले हैं, अगर एक रैप्टर आएगा तो ठीक है, हम लोग बोला यूज करेंगे। लेट्स सी कितने रैप्टर आते हैं, ओह शिट तीन रैप्टर नहीं गाइस, दो तीन रैप्टर आ रहे हैं एक साथ, सो थोड़ा संभल के रहिएगा। एक साथ में तीन रैप्टर आ रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा रैप्टर की स्पीड कितनी तेज होती है। मगर एक बात अच्छी है, इनकी एचपी उतनी ज़्यादा नहीं है, 1500 एचपी है, मतलब ज़्यादा का मतलब उतना तब भी ठीक ही ठाक है, मगर एक साथ तीन आ रहे हैं ना इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार दबोच लिया मुझे ना तो फिर आर्मर वगैरह सब तोड़ देंगे, तीन तीन एक साथ हिट देंगे गाइस, इसलिए मैं बोल रहा।
चलिए दो मर गए, टोटल चार राउंड आएंगे ये सब भी। दो राउंड क्लियर हो गया हमारा। पीछे से कोई आ रहा होगा, कोई रैप्टर हमारा। ऑलराइट ऑलराइट मजा। चलिए तीन राउंड क्लियर हो गया, लास्ट राउंड लास्ट राउंड लास्ट राउंड आ गया। भागते हैं भागते हैं, थोड़ी स्पीड बना ले भाई। क्या टैप टैप फायर करना पड़ रहा मुझे, एमओ बचा रहा हूँ मैं। ऑलराइट सो ये भी क्लियर हो चुका है, लेट्स सी। सो अभी हमने क्लियर कर दिया, डायरेक्ट हम लोग राइट साइड की तरफ चलते हैं। एक ट्रैप क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है फीचर्स लूट लेंगे हम लोग और डायरेक्ट उसके बाद बॉस रूम के चैम्बर की तरफ चलेंगे। सो इस साइड जाना हमें, फीचर्स लूट सामने की तरफ है। तो यहाँ पे कोई रूम वगैरह नहीं मिलने वाला है, छोटे छोटे चेस्ट मिलेंगे आपको, अगर आप लोग चाहो तो लूट सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको मैप दिखा देता हूँ, ये देखिए हमें नीचे की तरफ जाना है। एक लास्ट में आइस वाला जंप मिलेगा हमें फिर से, उसके बाद हमें फीचर्स लूट मिल जाएगी लूटने के लिए। चलिए डायरेक्ट चलते हैं रूम की तरफ। सो यहाँ से जाना हमें, यहाँ से जाना है और सीधे सामने की तरफ चले जाना है। ऑलराइट सो ये सामने की तरफ इस साइड जाना है और यहाँ से कहीं आसपास मिलेगा एक। चलिए जंप के लिए गाइस, सो आइस जंप है हमारा, आई थिंक हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, आइस जंप ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं गियर चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या लगता है आपको, एक ही बार में पूरा क्रॉस कर पाऊंगा? नहीं, एक बार में क्रॉस नहीं होगा, हमें जो है थोड़ा थोड़ा करना क्रॉस करना पड़ेगा। ओह शिट, मैंने गलती से जंप कर दिया। ओ नहीं 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 नहीं, मरना ही पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं एक बार फिर से ट्राई करने वाला हूँ इसको, एक बार तो मर चुका हूँ, लेट्स सी अगर इस बार क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। पिछली बार गलती से मर गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ऑलराइट देखो, चलिए चलिए क्रॉस हो गए एक ही बार में, दौड़ के जंप कर लेना था, ज़्यादा डरना नहीं है। सो यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम चेस्ट का लूट है, ये देखिए का क्या मिल रहा है, लेट्स सी गाइस। ब्लूप्रिंट मिला है स्लीपिंग पॉट का, ये देखिए स्लीपिंग पॉट का ब्लूप्रिंट मिला हुआ है हमें, जो कि एक हमारे लिए अच्छा है। अभी जल्दी से जंप करते हैं वापस, जैसे जंप करके आए थे वैसे जंप करके जाएंगे। चलिए ये देखिए हो चुका हमारा, यही था पार करना इसको। ऑल राइट अभी वापस चलते हैं, अब हमें जो है सीधे बॉस रूम की तरफ जाना है। सो बॉस रूम की तरफ जाना है अब हमें, ज़्यादा डिले भी ना करे हुए। यहाँ पे लूट्स हैं तो हम लोग लूटेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए, मुझे पता है यहाँ पे कुछ खास नहीं मिलने वाला। ऑल राइट लेट्स डू इट गाइस, बॉस रूम की तरफ चलते हैं। आई थिंक वहाँ पे भी हमें जो है थोड़ा बहुत फाइट वगैरह कुछ करना पड़ेगा। आई मीन यहाँ पे दो दो ट्रैप क्रॉस करने पड़ेंगे मुझे एक साथ। लेट्स सी यहाँ पे कोई रूम वगैरह है क्या? सो यहाँ पे टैपलस और का रूम है, पहले हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा और दो दो ट्रैप क्रॉस करने पड़ेंगे। दो है या फिर एक ही है, आई डोंट नो, आई थिंक एक ही ट्रैप है। चले कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोगों को एक ट्रैप क्रॉस करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्लस और को मारने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको क्लियर करते हैं, इसमें आर्मर इन इफेक्टिव है गाइस। सो बी केयरफुल रहिएगा, लॉन्ग रेंज का फाइट लीजिएगा। सो डेप्लस और की एचपी काफ़ी अच्छी खासी है। चलिए सो हम लोग ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, आई मीन डायरेक्ट बो एंड एरोज यूज़ करेंगे इसको मारने के लिए। किधर से आ रहे हैं ये, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रहे। ऑल राइट लास्ट में ये रहा, हाँ आधी एचपी ख़त्म हो गई मेरी। सो खतरनाक डैमेज हो रहा है इनका। ऑल राइट लेट्स कलेक्ट ऑल आवर एरोज, लास्ट वन किधर से आ रहा। ओह शिट यार दिख भी नहीं रहे ये,
चलिए एरोज कलेक्ट कर लेते हैं अपना, किधर से आ रहे हैं अब। सो ये रहा एक, लास्ट वन। फाइनली गाइस ये वाला भी रूम क्लियर हो चुका है। चलिए विदाउट डिले किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट बॉस चेंबर की तरफ। यहाँ से हमें जाना है, छोटा सा ट्रैप मिलेगा आगे की तरफ। यहाँ से ये पास करते ही हमें ट्रैप मिलने वाला है सामने, ये वाला ट्रैप। सो लक के भरोसे हमें इसे फिर से क्रॉस करना पड़ेगा एक बार और। चलिए देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है, मतलब क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं हम लोग इसे। ऑल राइट, तो इस बार विदाउट कोई डैमेज लिए हुए इसे हमने क्रॉस कर लिया ईजिली, और फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं बॉस रूम में। तो ये वाला बॉस रूम बहुत बड़ा लग रहा मुझे, मतलब बहुत ही बड़ा, आज से मतलब अब तक का सबसे बड़ा बॉस रूम ये है हमारा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऑल राइट गाइस, सो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को बॉस डिफीट का वीडियो अलग से डाल दूँगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप लोगों का सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं बॉस